तो अभी चलते हैं, मम्मा से पूछा मैंने, तो यहाँ से निकलते हैं अभी, लेट हो रहेगा बहुत ज़्यादा, जल्दी से निकलना पड़ेगा। हाँ, जब भी राइड पे निकलो पहले हवा चेक करो एंड ब्रेकिंग वेकिंग सब कुछ चेक करना है। अभी थोड़ी सी हल्की सी उठाते हैं। ओ साउंड चेक करो यार। भाई देख रहे हो साउंड। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ घर से ही। तो सुबह हो चुकी है, आज मौसम ख़राब ही है। तो आज का प्लान ये है, आज का प्लान जो है बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब लंबा प्लान है, लंबी राइड है। तो आज हम जाने वाले हैं श्रीनगर पहले, नेक्स्ट डे आपको बताएंगे वहाँ से हमें कहाँ जाना है। तो फिलहाल हम घर में हैं, यहाँ से मैंने तैयारी कर दी, पैकिंग कर दी है, सामान पूरा मतलब बाइक पे रख दिया। आप बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ वो कौन है वो बंदा। पापा तो ड्यूटी है, मम्मा को बोलते हैं, घर वालों को बोलते हैं, फिर निकलते हैं। अभी बज रहे हैं 12, तो बाकी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दे, बाइक को कोल्ड स्टार्ट भी करना है। तो जी गाइस, ये आप चेक कर सकते हो पूरा सामान मैंने कितना भर दिया बाइक में, देख रहे हो। सो भाई लोग, ये है वो बंदा जिसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। हाँ देख रहे हो, अभी ये कुछ खा रहा था, इसमें मुँह पे देखो क्या लग रहा है। ये मेरी जान है, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा मिस करने वाला हूँ। बाकी चलते हैं, अभी भी बंदा मुझे मार रहा है। मम्मा को भी बोलते हैं क्योंकि वो पता नहीं कहाँ पर काम कर रही है कुछ इस टाइम भी, तो उससे पूछते हैं फिर निकलते हैं। ठीक है, नहीं रहे ठीक है। तो अभी चलते हैं, मम्मा से पूछा मैंने, तो यहाँ से निकलते हैं अभी, बाकी लेट हो रहेगा इस बहुत ज़्यादा, तो जल्दी से निकलना पड़ेगा। आगे हमारे कुछ फ्रेंड्स भी मिलने वाले हैं, उसके बाद सीधा राइड श्रीनगर तक होगी, आराम से चलेंगे। बड़े गाइस ये देखो कौन मिल गया यहाँ पे। मैं ये बोल रहा था, जब भी राइड पे निकलो पहले हवा चेक करो एंड ब्रेकिंग वेकिंग सब कुछ चेक करना है। पिछला वाला टायर थोड़ा घिस गया है, बट थोड़ा जुगाड़ कर लेंगे हम। एंड ये बंदा हंस रहा है क्या, हवा हवा भरते उसके बाद चलते हैं। कितना मज़ा आ रहा है, बट ठंड काफ़ी ज़्यादा उठ चुकी है। तो अभी हम कुपवारा से निकल के एंड यहाँ से अपना मोटर ब्लॉग स्टार्ट होता है। सामान देखो भाई, कितना ज़्यादा सामान भर लिया है मैंने, पूरे 2-3 बैग भर दिए मैंने। यहाँ पे बहुत सारे घोड़े हैं, देख रहे हो। तो जी गाइज, अभी मुझे लग रही है ठंड, तो पहले पहनते हैं कपड़े, उसके बाद सीधा चलते हैं श्रीनगर तक, बाकी कुपवारा को करते हैं टाटा बाय बाय कुपवारा। अब हम आएंगे बहुत टाइम के बाद यहाँ वापस, बिस्मिल्लाह। सो गाइज, निकलते हैं यहाँ से, अभी अपना मोटो व्लॉग स्टार्ट होता है। यहाँ से होने वाले हैं फिर सोपोर से आगे श्रीनगर। एंड अभी मैंने चैन ल्यूब भी डाल दिया बाइक में, मतलब स्मूथ बाइक अच्छी से चल रही है, बट एक मसला है, अभी मुझे इंजन ऑयल डालना है। तो सोपोर KTM सर्विस सेंटर पहुंच के पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम है बाइक में, कमियाँ होंगी वो कर लेंगे कंप्लीट। एंड उसके बाद हम चलेंगे, निकल जाएंगे फिर जम्मू। बाकी फ़िलहाल मैं निकल गया कुपवारा से। भाई ठंड इतनी ज़्यादा थी ना, अब मैंने ऊपर से और अपर पहने, ऑलरेडी 2-3 पहने थे, अब एक्स्ट्रा एक और पहन लिया, अब तो ठीक लग रहा है। अभी हम पहुंच गए सोपर, मतलब सोपर से निकलने लगे अब, रेलवे के पास ही है। एंड हम चलेंगे सीधा KTM सर्विस सेंटर। अभी बज रहे 2:30 एंड मैं कह रहा हूँ गाइस बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, इसके कारण कुछ खाने का जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना यार मेरी हालत ख़राब हो जाएगी यार। इंजन ऑयल का यहाँ पे लाइट आती है कि आप सर्विस करा लो, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा है अभी। तो फिर भी हम चलते हैं KTM सर्विस सेंटर, देखते हैं भाई इसमें ऑयल थोड़ा सा कम है तो डलवाते हैं। बिकॉज गाइज, जब भी लॉन्ग राइड पे जाओ ना तो ये सब चीज़ें देखनी होती है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे साथ ये सीन हुआ ना, एक बाइक थी, जैसे मैं सोपोर पहुंच गया वो बाइक सीज हो गई। ये अपना KTM सर्विस सेंटर, फिलहाल पहुंच गए, अपनी सर्विस जो है हो चुकी है, मतलब क्या बताऊँ मैं क्या सर्विस। रिमूवल ऑयल हमने डाल दिया इसमें, जितना कम था 500 का आ गया इसमें, समझो इससे अच्छी तो सर्विस ही करनी थी। बाकी चलते हैं यहाँ से, जब भी करो सर्विस सेंटर पे करो, अगर आप लोकल के पास जाते हो ना तो आपकी बाइक में बहुत इशू एंड प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो लोकल कभी नहीं जाना, सर्विस सेंटर जाना और अच्छे से करना सर्विस वर्विस सब कुछ अच्छे से। सोपोर वाला सर्विस सेंटर है ना, ये कभी टाइम नहीं लेते, ये वही आपको जल्दी सर्विस करके देते हैं एंड सब कुछ ठीक करके देते। जैसे मुझे पाँच मिनट से भी कम टाइम लगा एंड अपना इंजन ऑयल सब कुछ चेंज हो गया, अपनी बाइक अब ओके है। तो पहले भूख बहुत ज़्यादा लगी, पहले कुछ खा भी लेते हैं। पहुंच गए श्रीनगर, तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ी सी चाय वाय पी ली, बिकॉज अगर खाना खाते ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी लगती, इसी के कारण चाय पी के अभी निकलते हैं सीधा रूम पे। वही हम पहुँच गए HMT, तकरीबन अभी बज रहे हैं 3, हल्की सी उठाते हैं। बाकी मैं स्लो चल रहा था गाइस, वरना मुझे 2 घंटे लगते हैं श्रीनगर तक, आज मुझे लगे 3.5 घंटे। आप समझ सकते हो यार, घर में सब ने बोला जब आहिस्ता चलोगे तब छोड़ेंगे आपको, आपको जम्मू जाने देंगे, वरना ना पापा मान रहा था ना मामा, कोई नहीं मान रहा था कि
अभी हम पहुंच गए बुर्जला आईडी के पास। बहुत टाइम के बाद इस भाई के पास हम आ गए। आईडी अभी बिजी है, तो एक दो मंथ के बाद हम मिले। आज मेरा भाई है, ये रही अपनी डोमिनर। बहुत टाइम के बाद इसके दर्शन करने को मिले। तो अभी चलते हैं सीधा लाल चौक, इसी पे चलेंगे हम। वापस करना था, मैंने ट्रिमर एक लाया था और एक चीज़ वो इस मतलब चला ही नहीं इसमें ना गाइस। ये ट्रिमर है, फिलिप्स का ट्रिमर है, बट ये चला ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। तो अभी वापस देते हैं इनको। आईडिया बहुत टाइम के बाद मैं इसके पास आ गया। ग्लोव्स के बिना गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो ग्लोव्स पहन लेते हैं और निकलता है अपनी डोमिनर पे। एंड चेक करो लुक यार, बहुत ज़बरदस्त है। एंड मुझे बोलो KTM अच्छी है कि डोमिनर 400। भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है चलाने में, कसम से यार। बहुत टाइम के बाद मैं इसको चला रहा हूँ, बट इतना मज़ा आ रहा है ना यार। अभी थोड़ा सा भगाते हैं। ओ साउंड चेक करो यार, 3-4 महीने जुम्मू में गुजारने वाला हूँ, हो सकता है 6 महीने भी निकालूँ वहीं पर। देख लो आज श्रीनगर आज के बाद मेरे वीडियो में श्रीनगर नहीं आएगा, अब जम्मू आएगा डेली। भाई साहब अभी हम घुस गए कुछ इस तरह के ट्रैफिक में। देख भी हम पहुंच गए लाल चौक के पास, देख रहे हो कितना मॉडिफाई हो चुका है। तो पहले चलते हैं शॉप के पास क्योंकि वो बंद हो सकता है। पहले ये काम निपटाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं लाल चौक। एंड फाइनली गाइस अभी हम पहुंच गए लाल चौक घंटाघर के सामने। हेलो, मोदी जी से मिलना है तो मिल सकते हो आप यहाँ पे। देख रहे हो पब्लिक चेक करो यार, भाई साहब चेक कर रहे हो नाइट व्यू ना, काफ़ी ऑसम वाली आ रही है, कितनी ज़बरदस्त है। देख रहे हो कितना अच्छा बन चुका है, बट यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं इस टाइम, नाइट के टाइम ना काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट होते हैं। बाकी चलते हैं आगे, आपको भी दिखाते हैं नाइट। गाइस सीरियसली अभी देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, मज़ा आने वाला है। अभी देखना घंटाघर में घंटी कैसी बजती है चेक कर रहा, बस एक मिनट रह गया फिर देखना साउंड कैसे होगी। भाई देख रहे हो साउंड, बट लेट हुआ, 6:05 पे हो गया, पता नहीं 6 बजे होना था, 6:05 पे हो गया। वीडियो ना लंबा हो जाएगा तो वीडियो मैं एंड करता हूँ। बाकी ये इस व्यू से व्यू देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त व्यू है, मन ही नहीं करता कि वीडियो एंड करूँ। बाकी थोड़ी रील्स लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं और वीडियो लेता ना तो मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो वीडियो एंड करते हैं गाइस। थोड़ा सा देख लो यार। तो जी भाई लोग, आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, इस प्यारी सी लोकेशन पे करते हैं, मिलते हैं अगले प्यारे से वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहो, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना गाइस। बाय बाय।